आज हम आपके साथ होममेड चॉकलेट की रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं जो बहुत ही टेस्टी होती है और सबको बहुत पसंद आएगी, खासकर बच्चों को। बच्चों को ये चॉकलेट खाने को दोगे तो वो बाहर की चॉकलेट भूल ही जाएंगे और इसे आप बहुत ही आसानी से घर में बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो, नमस्कार दोस्तों, मिस्टीज रेसिपी में आपका स्वागत है। ये देखिए, ये मिल्क कंपाउंड, ये है डार्क चॉकलेट, ये मिल्क कंपाउंड है, मिल्क कंपाउंड का पैकेट है ये देखिए, और ये डार्क चॉकलेट का, इसे मैंने ऑनलाइन मंगाया था, काफी अच्छा पड़ जाता है ये ऑनलाइन। मैं थोड़े से ड्राई फ्रूट ले लिए हैं, काजू बादाम क्रश करके, थोड़ी सी किशमिश, और मैंने एक बर्तन में पानी ले लिया है, ऐसा ही बर्तन लो जिसमें दो ये ऊपर का बर्तन सेट हो जाए और पानी को बिल्कुल भी टच ना करे। मैंने इसमें 1.5 गिलास पानी डाला है, ये देखिए मैंने सेट कर दिया, गैस भी जला दिया है। पानी जब थोड़ा गर्म हो जाए तभी बर्तन आप उसे ऊपर रखें, इसके ऊपर चॉकलेट हम डाल देंगे मेल्ट होने के लिए। याद रहे कि इसमें इस बर्तन में पानी बिल्कुल भी टच नहीं होना चाहिए। ये देखिए मैंने चॉकलेट डाल दी है, इसे हमें स्टीम हीट में ही मेल्ट करना है। ये देखिए हमारी चॉकलेट मेल्ट होनी शुरू हो गई है, इसको हम पलटा देते हैं जिससे ये अच्छे से दूसरी तरफ भी से मेल्ट हो जाए, इससे जल्दी हो जाएगा, हमारी चॉकलेट जल्दी मेल्ट हो जाएंगी। थोड़ी थोड़ी देर में आप चम्मच की सहायता से चला दें जिससे अच्छे से मेल्ट हो जाए। ये देखिए हमारी चॉकलेट मेल्ट हो गई, जब ऐसे मेल्ट हो जाए तो अच्छे से चम्मच से मिक्स कर दें, जो लम्स बचे रहेंगे वो भी मिक्स हो जाएंगे। ये देखिए मैंने मिक्स कर दिया, ऐसे हमारी सारी चॉकलेट मेल्ट हो चुकी है। अब ये आइस क्यूब ट्रे में हम चॉकलेट को डालेंगे, चम्मच की सहायता से आप उसे डाल दें ऐसे, ये देखिए ऐसे डालना है इसको। ये देखिए मैंने डाल दिया है, इसको हल्का सा टैप कर ले जिससे सेट हो जाए। ये देखिए मैंने डाल दिया, इसको सेट भी अच्छे से हो गई है। अभी जो मैंने ड्राई फ्रूट लिया है काजू बादाम, इससे हम गार्निश करेंगे इसको, जिसे देखने में बहुत अच्छी लगेगी, खाने में तो टेस्टी होती ही है ये। मैंने डाल दिया इसको, अब इसमें हम एक एक किशमिश भी रख देंगे ऊपर से देखने में, ताकि जिससे ये बहुत अच्छी लगे। ये चॉकलेट सबको बहुत पसंद आती है, खासकर बच्चों को, तो एक बार जरूर ट्राई करिएगा। इस चॉकलेट को हमको आधे घंटे के लिए सेट होने के लिए रखना, आप चाहे तो फ्रिज में भी रख सकते हैं। ये देखिए मैंने रख दिया इसमें, ये मेरे आधे घंटे हो गए हैं, आप इसे नॉर्मल टेम्परेचर में भी रख सकते हैं, मैंने फ्रिज में रखा था। इसे हल्का सा ऐसे साइड से दबा के निकाल लेना है, मैंने कर लिया है। ये देखिए ऐसे उल्टा कर दे इसको जिससे निकल जाए, देखिए मेरी चॉकलेट निकल गई है, हम सारी चॉकलेट निकाल लेंगे। मैंने सारी चॉकलेट निकाल ली, देखिए मैं कितनी अच्छी लग रही है, मैं पीछे से भी दिखाती हूँ, ये देखिए कितनी अच्छी सेट हो गई है चॉकलेट। ये मैंने 20 मिनट में ही सेट हो गई थी, मैंने फ्रिज में रख दिया तो 20 मिनट में सेट हो गई थी। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कीजिए। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, थैंक यू।